देखा घोड़ा वो गाइस देखो कितना सुंदर है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैं जाने वाला हूँ, मैं जिधर बचपन में खेलता कूदता था, मेरा मतलब पुराना घर है उधर, बहुत दूर है, इधर से 17 किलोमीटर दूर है, तो उधर जाने वाले हैं। बहुत साल बाद जाएंगे, अभी मतलब लगभग 10-12 साल बाद जाएंगे, बहुत दिनों से नहीं गए, अभी जाएंगे क्योंकि अभी बहुत मन हो रहा है इसलिए जाएंगे। तो अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं और गाइस कल मैं गया था तारकेश्वर मंदिर भोले बाबा का दर्शन करने। वो वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में आ जाएगा, वो वाला व्लॉग भी आप लोग देख सकते हो। क्योंकि भोले बाबा का मंदिर गए थे, उधर जाके मन को पूरा एकदम तसल्ली मिल गया, मतलब शांति मिल गया, तो वो वाला व्लॉग आप लोग देख सकते हो गाइस। तो अभी गाइस कुछ खाएंगे, उसके बाद ड्रेस चेंज करके और क्या क्या लेके जा रहा हूँ आज वो सब आप लोगों को दिखाते, तो अभी पहले खा लेते हैं कुछ। तो मम्मी देखो इधर लेके आया, अभी तो थोड़ा सा नूडल्स खाएंगे, नूडल्स खाने के बाद रेडी होके हम निकलेंगे। तो दो, तो अभी देखो नूडल्स खाएंगे गाइस, तो खा लेते हैं नूडल्स। गाइस फाइनली खाना पीना सब कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। गाइस ये वाला ड्रेस तो मैं पहन के जाऊँगा और ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाऊँगा, और ये वाला ड्रेस लेके जाऊँगा उधर जाके पहनना है, और ये तो जैकेट है तो ये अगर ठंड लगेगा तो वो पहन लेंगे। तो अभी सब पैक करते हैं बैग में और उसके बाद निकलते। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और इधर से मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, इधर से मैं जाऊँगा यामा शोरूम, क्योंकि मेरा जो बाइक का आरसी है वो आया है, आरसी बुक वो आया है, और कलेक्ट करके उधर से मैं जाऊँगा। तो अभी चलते हैं, और तो रेडी हो चुका हूँ, अभी हेलमेट वगैरह पहनते और बाहर जाके आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तो मैं आता हूँ, चलो तो अभी निकलते गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ, तो इधर से डायरेक्ट यामा शोरूम जाते हैं, उधर से आरसी कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उधर से जाके पहले आरसी कलेक्ट करते। तो गाइस फाइनली आरसी कलेक्ट कर लिया और इधर देखो टैंकी भी फुल कर लिया, मतलब फुल टैंक कर लिया, तो अभी चलते। एक्चुअली गाइस आज तक मैं मतलब 4-व्हीलर से ही गया हूँ उधर उस साइड, तभी पीछे बैठ के मतलब बारासात होके जाना पड़ता है, मैं जिधर जा रहा हूँ गोबरडांगा उधर, तो गोबरडांगा तो कभी नहीं गया, बारासात गया हूँ, तो अभी उतना ही रास्ता मुझे मालूम है, उसके बाद हमको मैप देखना पड़ेगा, गूगल मैप, मतलब गूगल मैप का सहायता लेना पड़ेगा। तो गाइज अभी तो मैं चुंडी तला में हूँ, इधर से मैं डायरेक्ट डानकुनी होकर निकल जाऊँगा, तो अभी चलते हैं सामने। तो गाइज फाइनली डानकुनी पहुँच चुका हूँ, इधर से मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा, उसके बाद उधर से राइट मुड़ना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं। अभी तो ब्रिज में उठूँगा, ब्रिज के ऊपर। और गाइज इधर नीचे है डानकुनी स्टेशन, इस साइड देखो डानकुनी स्टेशन है, तो अभी चलते सामने की तरफ। तो गाइस अभी तो इधर से जा रहे हैं और अभी गाइस सामने एक एम्बुलेंस है देखो, तो एम्बुलेंस का प्रायोरिटी सबसे पहले, ठीक है, तो कभी भी एम्बुलेंस दिखे तो सबसे पहले एम्बुलेंस के जाने दो, उसके बाद आप लोग जाओ हम लोग जाए, पर सामने तो जैम है। और इधर देखो ब्रिज तैयार हो रहा है नया शायद, तो इसलिए इधर सब काम चल रहा है, और ये वाला रास्ते पे काम चल रहा है इसलिए इतना मतलब जैम वगैरह लगा हुआ है। अभी तो गाइस बालीघाट पे हम, ये देखो बालीघाट स्टेशन, ये तो बालीघाट स्टेशन है, और अभी सामने दक्षिणेश्वर है और माँ का मंदिर भी है सामने, इधर तो आना पड़ेगा एक दिन, मतलब हम तो आएंगे ही, देखते हैं क्या बात है। गाइस अभी तो दक्षिणेश्वर बीच पे हूँ और उधर मंदिर है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि नहीं पता नहीं, उधर साइड में मंदिर है, तो आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। दिख रहा होगा इस मंदिर, माँ का मंदिर है गाइस। तो गाइस अभी तो निकल रहा हूँ इधर से माँ का मंदिर के, इधर रुके थे थोड़ी देर और अभी ब्रिज क्रॉस करते। अभी सामने तो जैम लग गया देखो, बहुत सारा भीड़ गाइस इधर, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आता है माँ का मंदिर, मतलब माँ को दर्शन करने।
अभी रुकते हैं। तो गाइस फाइनली दक्षिणेश्वर ब्रिज क्रॉस करके बहुत आगे आ चुका हूँ। अभी इधर से जाएंगे सामने, सामने जाके लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। तो चलते हैं गाइस, अभी तो जाम लग गया सामने फिर से। गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये वाला बस कैसा एकदम निकला हुआ है, कैसा लापरवाही करके लेके जाता है लोग। अचानक से कोई ब्रेक देगा तो एकदम अंदर घुस जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते इन लोग का यार। तो गाइस अभी तो इधर से एकदम सीधा जाएंगे, एकदम सीधा मतलब एकदम सीधा रास्ता है तो सीधा चलते जाएंगे। अभी तक तो बहुत चला लिया इसलिए थोड़ी देर रुकेंगे इधर, अभी 5-10 मिनट रुकेंगे उसके बाद जाएंगे सामने की तरफ, क्योंकि अभी बहुत देर तक चलवा चुके हमारा तो मतलब उतना हम तो उतना नहीं चला सकते क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद फिर से जाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी ज़्यादा दूर नहीं है, इधर से 6-7 किलोमीटर ही है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। और अभी चलते हैं सामने की तरफ और भैया को कॉल करना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं सामने, सामने जाके कॉल करेंगे। तो गाइस फाइनली पहुँच गए अपने गांव में और भैया को कॉल कर दिया था तो भैया आ रहा है, बोला उधर ही है। तो अभी चलते हैं सामने, देखते हैं भैया किधर है। गाइस फाइनली पहुंच गए, अभी देखते हैं किधर है। तो पहले इस साइड से एक ब्रिज था छोटा सा, तो गाइस फाइनली पहुंच गया और भैया इधर है। की खबर 12 बचर ब्लॉगर ना 12 बचर पड़े से एने बैग धरे बस। तो गाइस अभी घर में जाके आप लोगों के साथ मिलता हूँ। 2000 years later। तो गाइस अभी तो इधर आके थोड़ा सा खा पी लिया और अभी थोड़ा सा घूमने निकलेंगे, और अभी तो मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है क्योंकि काम से आके डायरेक्ट आ गया, सोया नहीं। तो अभी देखो इधर भैया है और इधर बड़े पापा है, इधर सबको हाई बोल दो। कुछ नहीं मतलब उतना समझते नहीं है, तो मेरे बड़े पापा है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग घूमने जाएंगे और इधर सामने कुछ है गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर मेरे सामने ये देखो क्या है, देखो गाइस कितना सुंदर है ना, एकदम क्यूट सा, इधर देखो। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने निकलेंगे, किधर जाओगे पहले सामने चलते हैं गाइस अभी। और अभी तो गांव में आए पूरा एकदम, देखो तो बहुत साल पहले आए थे इधर और अभी आ रहे हैं, मतलब 12 साल पहले आए थे तो अभी फिर से आए। तो अभी सामने उधर चार्ज बस होता है गाइस, तो उधर जाएंगे अभी सामने की तरफ। खेती खेते इधर बड़े पापा बड़े मम्मी सब चार्ज बस करता है। तो अभी तो इधर हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साल बाद है इसलिए और भी अच्छा लग रहा है गाइस। और मेरा भैया को देखो, अभी तक शादी नहीं किया, ठीक है हम पेशार दे रहे हैं शादी करने के लिए, शादी तो करवा के ही छोड़ेंगे गाइस। देखो कितना सुंदर है, मेरा बचपन का एरिया है गाइस, इधर 1-2 साल जब मैं छोटा था तब खेलता कूदता था, राइट। संडे तो अभी गाइस हम लोग सामने की तरफ जाएंगे और आप लोगों को दिखाते, उधर भी खेत वगैरह है, उधर भी खेत वगैरह है, उधर जाएंगे। तो गाइस अभी इधर से हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं, इधर भी बहुत सारा जगह पे चार्ज बस होता है, तो उधर जा रहे हैं अभी मैं और भैया। देखो इधर क्या है, की कैमरा देखो, छोटा छोटा भाई लोग बच्चा लोग
बोल रहा है क्या चीज़ है, मतलब उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। तो भी कहाँ से जा रहे हैं, देखो देखो हर जगह। ये कौन सा फूल है, की फूल है? दो पार्टी फूल है गाइस, देखो खराब हो गया नहीं? इधर देखो छोटे छोटा शुगर केन। तो इधर गन्ना का खेत है देखो, छोटा छोटा। और सामने बहुत सारा फूल वगैरह का चाष हो रहा है, देख पा रहे हम लोग। तो चलते अभी आप लोगों को भी दिखाते। और इधर देखो पीछे कौन सब बच्चे लोग आ रहे। इधर देखो इधर भी फूल है। तो गाइस इधर देखो महादेव का जो फूल होता है वो है आकंद फूल। हाँ, भोले बाबा का पूजा में लगता है जो फूल, वो है आकंद फूल। देखो अभी हम अंदर घुस रहे हैं इधर से, देखो कितना सुंदर है गाइस। तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे अभी, तो अभी सामने की तरफ चलते हैं, बहुत ही सुंदर है गाइस। तो गाइस अभी सामने की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। देखो कितना सुंदर गार्डन है। हमको लोग तो लगा था ये भी गन्ना का ही खेत है, पर वो नहीं। हेलो यार देखो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामने की तरफ, देखते हैं सामने सामने और बहुत चीज़ों का चार्ज वार्ज होता है। तो उधर जा रहे हैं सामने की तरफ है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं गाइस। देखो एक घर है, कावड़ घर तो है। तो सामने देखो गाइस, देखो बहुत सारा पेड़ है। हमारे हीरो दादा जा रहे हैं सामने। हीरो देखो गाइस। इधर देखो फूल पौधे बहुत सुंदर सुंदर, देखो देखो गाइस कितना सुंदर है। गाइस देखो अभी आप लोगों को जो फूल दिखा है उसका छोटा छोटा पौधा इधर तैयार हो रहा है। देखो अभी तो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और इसके बाद और भी बड़ा होगा तब जाकर पूरा एकदम फूलों से भर जाएगा, और बहुत सुंदर गार्डन लगेगा, मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा। और इधर पूरा खुशबू से भर जाएगा, बहुत सुंदर है ये वाला फूल। तो गाइस देखो इधर चेरी फूल लगवा है सब, अभी छोटा छोटा है। देखो ये वाला पेड़ है, और इधर देखो गन्ने का खेत, अभी तो सब छोटा छोटा है गाइस, बहुत सारा गन्ने का खेत है देखो। तो बहुत सारा गन्ने का खेत है गाइस। ये तो मुंबई मुंबई आख ना मुंबई।
আর আমাদের দেশে দেশিটা হলে লাল হতো। দেখো গাইস কিতনা এইগুলো খেতে একটু ভালো নরম নরম থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এগুলো একদম নরম হয়। ওই যে আমাদের সামনে রয়েছে ওগুলো তো শক্ত লাল গুলো না, ওগুলো কিন্তু এর থেকে ওগুলো মিষ্টি বেশি। तो गाइस सामने तो और भी बहुत सारा है, देख हम देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, तो उतना विजन तो नहीं आएगा। इधर बहुत सारे मतलब सिर्फ चाचबास होता है गाइस, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सालों के बाद है और भी अच्छा लग रहा है गाइस। इधर देखिए पानी उठा ना, पंप है ना पंप, एरा गाइस पंप।